dear students, how are you? I hope you are fine at your home. हमारा अभी एक दो दिन पहले ही जो है सिलेबस डिसाइड हुआ है गवर्नमेंट के थ्रू. तो इसमें हम लोगों का जो सिलेबस है, लिटरेचर के भी कुछ पोर्शन हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, उनको हटा दिया गया है और ग्रामर पोर्शन को भी हटा दिया गया है. तो उन वो टॉपिक जो आप लोगों के ऐड किए हैं, जितना आपका सिलेबस बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं पहले आपको वही टॉपिक करवा रही हूँ. अदरवाइज आपके ओलंपियाड्स में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर पोर्शन पूरा आता है. आपके इस वक्त जो सिलेबस डिसाइड किया गया है तो ग्रामर में है टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमिनर्स. इनमें से हम टेंस कर चुके हैं, मॉडल भी कर चुके हैं. वैसे मेरे को आज जो टॉपिक करवाना था, हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग आज हम लोग कंजक्शन करने वाले थे, लेकिन आपका ये जो सिलेबस डिसाइड हो गया तो पहले मैं आपको वो पोर्शन करवा रही हूँ जो आपके सिलेबस में डिसाइड हुआ है. तो पास्ट टॉपिक आपके ग्रामर के छोड़े हैं, वो केवल एग्जाम में है, आपके कंपटीशन एग्जाम या ओलंपियाड्स में ये नहीं होगा. उसमें तो आपके ग्रामर जितनी है उतनी सारी आएगी, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ऐसा है जिसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और उसमें हर क्वेश्चन हम ऐड कर सकते हैं. तो उसके लिए हमारे को ग्रामर का पूरा नॉलेज लेना होता है. अब जैसे मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में जो करवाया था प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा डिटेल हमने किया है, बेसिक टर्म्स हमने किए हैं. तो इनके के जो है आपको टॉपिक्स के बारे में जानकारी और किस तरह से हम क्वेश्चन को ऐड उसमें क्वेश्चन को आंसर उसमें लगाते हैं, तो इस ये सब चीज़ें हमारे ओलंपियाड और कम्पिटिटिव एग्जाम की हैं. लेकिन अभी पहले मैं आपको ये वाला जो हम लोगों का सिलेबस डिसाइड हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कोर्स करवा रही हूँ. लिटरेचर के भी कुछ चैप्टर्स जो हटा दिए गए हैं. वैसे हमने लिटरेचर वाला एक बुक कम्प्लीट कर ली थी, उसमें से हमारे एक या दो चैप्टर हटे हैं और जो नहीं करी है उसमें पोएम वगैरह या एक चैप्टर या दो चैप्टर हटे हैं. तो वो मैं आपको वैसे बता दूंगी बाद में. और वैसे आपको सर ने भेज ही दिया था पूरा लिंक, तो आप उसमें देख सकते हो. तो आज हम हमारे सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. टेंस हमने किया, मॉडल हमने किया और अब तीसरा टॉपिक हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर डिटरमिनर्स और एक और बचेगा वो है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके होने के बाद में दो और बचेंगे, तो वो मैं इसके बाद में सीक्वेंस में यही पहले करवा रही हूँ. नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस है, एट्थ वालों के लिए तो जितना करोगे उतना कम है आपके. और वैसे भी नाइन्थ और टेंथ के लिए भी ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एसटीएससी वाली जो तैयारी आप करते हैं तो उसमें आपको ये सारा जितने ग्रामर है वो सारे टॉपिक आते, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हुआ होता है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स भी हमारे सामने आते हैं. तो सबसे पहले अब हम हमारा थर्ड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब यानी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाए, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ सहमति, एग्रीमेंट मीन्स सहमति. तो इसको हम करने के लिए हमारे सारे हर ग्रामर पोर्शन में हमारे को रूल करने होते हैं. इसमें भी वही रूल है, आप अगर रूल को अच्छे से कर लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसमें कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी. तो सबसे पहले मैंने आपके सामने ये लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, उसके बाद में नाउन और वर्ब उन दोनों में कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा, तो उसको हम कैसे दूर करते हैं वो मैंने आपके सामने सॉल्व किया है. फिर हम एक एक रूल को देखेंगे और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इट मीन्स एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी और फिर जो असाइनमेंट जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, नंबर क्या होता है, नंबर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ये हमने नाउन में किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सर फर्स्ट पॉइंट हमने नाउन किया था, नाउन नंबर, उसमें मैंने आपको करवाए हुए हैं। वैसे जो है ग्रामर पोर्शन कभी भी एक अकेला टॉपिक नहीं होता है, एक दूसरे से उसका लिंक रहता है, एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं। तो हमें जानकारी तो पूरी नॉलेज हमें होना चाहिए, पर सबसे ज्यादा फोकस हम इसी चीज, इन दो जो पांच टॉपिक हमारे को दिए गए हैं उस पे करवा दूंगी, अदरवाइज टॉपिक हमारे को सारे ही करने हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज, किसी भी सेंटेंस में, इट मीन सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है और उसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन की जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है, फिर वो पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में किए थे। अब देख लीजिए, इसी में आपको मैं बता दूंगी कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो है किस तरह से एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं। अगर वो हम लोग, अगर हमें ये नहीं पता होता कि नंबर क्या होता है, तो हम यहीं जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम करेंगे कैसे। अगर हमें पर्सन का नहीं पता है तो पर्सन क्या इस वक्त बताया जाएगा, कितना देखेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से जानकारी, डिटेल हम कर चुके हैं, तो अब हमारे को ये टॉपिक करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके जो रूल्स हैं उसको हम अलग से याद कर लेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमने ये भी नहीं करे हुए होते तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, इट मीन जो सब्जेक्ट है, जो करता है सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट है वो नंबर कि सिंगुलर नंबर का है या प्लूरल नंबर का है, वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर पॉइंट है या प्लूरल पॉइंट है, ये हमारे को देखना होता है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना। अब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों ही वर्ब का यूज किया जाता है। कई टेंसेज हमारे ऐसे हैं जहां हमारे को हेल्पिंग वर्ब दी नहीं जाती है सिंपल सेंटेंस में, जैसे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंस आते ही तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू और डज आ जाते हैं, अदरवाइज हमारे वही रहता है। तो वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अब है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब आपकी, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, लेकिन मैं उन बच्चों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ कि जो नए होते हैं और जिनको हो सकता है उनके स्कूल में काफी करवाया हुआ हो, लेकिन मैं बिल्कुल जीरो पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ कि अब सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। 90% बच्चों को ये सब आता है, लेकिन उन 10% बच्चों का भी देखना होता है जिन्हें क्या पता नहीं आता हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, इट मीन्स किसी के नाम, द बॉय सिंगुलर है, द बॉय, द गर्ल सिंगुलर है, एक्सेट्रा। ये तो था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज, एम, वाज, हैज, डज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में है वी, यू, दे, राम एंड श्याम। यहाँ पे दो सब्जेक्ट दे दिए हैं, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द गर्ल्स, द बॉयज, एक्सेट्रा।
इसी के प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? आर वर हैव टू राइट ड्रिंक रीड। सबसे पहले बात हमने करी है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब हम वर्ब के कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, तो इसको ऐसे दूर करेंगे, नाउन प्लस एस या ईएस। अगर नाउन में जैसे बस है बसेज, बेंच बेंचेस, ब्रश ब्रशेस, अगर नाउन में एस या एस ईएस या आईईएस लगता है तो वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाता है। और अगर वर्ब में एस ईएस या आईईएस लगता है तो वो हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाती है। एक बार ध्यान से फिर देख लीजिए, नाउन में एस या ईएस या आईईएस लगने से ये हमारा प्लूरल वर्ब नाउन बनता है। नाउन में अगर ये हम लगाते हैं एस ईएस और आईईएस तो प्लूरल नाउन बनता है, और अगर वर्ब में हम यही पॉइंट एस ईएस और आईईएस लगाते हैं तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब बनती है। कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा है वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउन है ये, मैंने दोनों तरफ यहाँ पे नाउन लिखी है, यहाँ पे वर्ब लिखी है। अब कैसे वो प्लूरल सिंगुलर कैसे जो है चल रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से कंफ्यूजन को दूर कीजिए। सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम जैसे सिंगुलर गर्ल पॉइंट है, गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन है, ए पर्सन प्लेस और थिंग्स, तो यहाँ पे ये पर्सन है। अब इसी नाउन के आगे एस लगाया तो ये हमारा गर्ल्स, गर्ल गर्ल का गर्ल्स बनेगा, तो ये बन गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। बॉय बॉयज, फॉक्स फॉक्सेज, बेंच बेंचेज, तो सिंगुलर का ये हुआ, इसमें एस या ईएस लगाया तो ये हमारा प्लूरल बन गया। इसी का थोड़ा सा अलग से होता है। पहले प्लूरल ले लीजिए, प्लूरल में गो, सिंगुलर बनाने के लिए इसने ईएस लगाया, गोज बना। डू, सिंगुलर बनाने के लिए डच। राइट, सिंगुलर बनाने के लिए राइट्स। फ्लाई फ्लाइज, ईट ईट्स। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद में मैं आपको रूल स्टार्ट करवा रही हूँ तो उनको देखना। आपको ये ध्यान रखोगे, सबसे मेन पॉइंट आपके यही है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। इसका अगर इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बाकी के रूल्स हमारे को वैसे जब हम करेंगे तो लर्न हो जाएंगे और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कंफ्यूजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, नाउन में अगर एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, ये नाउन है सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये हमने पहले भी अभी इंट्रोडक्शन में भी इसका पढ़ा था। तो जैसे मोहन जो है सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुई है वॉज। अब वॉज ही क्यों हुआ, हिज क्यों नहीं हुआ? ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होता है। इट मीन्स वो पहले बात बता रहा, मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में वॉज का यूज किया गया। सिंगुलर नाउन यहाँ पे एस एन इट मीन्स सिंगुलर नाउन और एस वी सिंगुलर वर्ब। पूरा नहीं लिखकर इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, एस एन मीन्स सिंगुलर नाउन और एस वी मीन्स सिंगुलर वर्ब। फर्स्ट पॉइंट आई होप क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखिए, आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है। आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है केवल प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आई सिंगुलर होता है, लेकिन और जितने भी हैं उनमें हमेशा आई प्लूरल होता है। तो आई का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का यूज होता है। अब जो है आई कहीं तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के उसमें होगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है, जिसमें प्रेजेंट में हम आई के साथ एम वर्ब लगाते हैं और पास्ट में आई के साथ वाज वर्ब लगाते हैं। ये हो गया। लेकिन इसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों ही यूज की जाती हैं। कैसे? आई एम ए टीचर, सिंगुलर वर्ब आ गई। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। एम क्या है? सिंगुलर वर्ब है। आई एम ए टीचर। इसी तरह से आई वाज ए स्टूडेंट। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज सिंगुलर वर्ब है। फिर है आई हैव ए साइकिल। आई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये हैव लगा हुआ है ये हमारा प्लूरल वर्ब है। तो आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगाते हैं। आई होप दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। पहला, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। दूसरा, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में दोनों में आता है, और इसके साथ वर्ब भी, सॉरी, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है लेकिन इसके साथ वर्ब दोनों तरह लगाई जाती है। अब थर्ड पॉइंट है, यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों रूपों में होता है। यू अकेले तुम खड़े हो तो भी तुम्हें यू ही कहा जाएगा, और तुम बहुत सारे खड़े हो तो भी तुम्हें यू ही कहा जाएगा। तो सिंगुलर यू का जो यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही वे में होता है, दोनों ही रूपों में होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगती है, इसके साथ जो मेन हेल्पिंग वर्ब लगती है वो हमेशा प्लूरल यूज होती है। आई का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट दोनों पॉइंट में किया जाता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, यू गो देयर, गो सिंगुलर है। यू आर ए स्टूडेंट, यू आर इंजीनियर। अब देख लीजिए इसमें, यहाँ पे भी ये प्लूरल पॉइंट है, मेन वर्ब प्लूरल है। इसमें आर प्लूरल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल है। इसमें भी आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो आई और यू का दोनों का आपका क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है आपका, इट मीन्स फोर रूल जो है वो ये है, अगर हमारे सेंटेंस में इधर और, नीदर नॉर या और, राम और श्याम अगर ये यूज होते हैं तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी इसमें वो दूसरे जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। जैसे इधर और, नीदर नॉर, ए और बी, जहां ये वर्ड्स होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज की जाती है। कैसे? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये वर्ड जहां भी होंगे वहां दो सब्जेक्ट होंगे, तो जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट को छोड़कर जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, इट मीन्स वर्ब लगाई जाएगी। जैसे इधर आई और ही, पहला सब्जेक्ट है आपका आई, दूसरा सब्जेक्ट है आपका ही, ये सेकंड सब्जेक्ट है। तो इसमें इधर आई और ही प्लेइंग, अब इनमें से जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इट मीन्स दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब ही के साथ क्या लगाओगे, एम लगाओगे कि आर लगाओगे कि इज लगाओगे?
तो ही के साथ ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करी ये लीजिए इज। तो इधर आई और ही इज प्लेइंग। इसी का दूसरा रूप देख लीजिए, इधर ही और आई पॉइंट वही है, सब्जेक्ट वही है, लेकिन जगह चेंज कर दी, प्लेस चेंज करने से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा। ही और आई पहला सब्जेक्ट है इसमें, ही दूसरा सब्जेक्ट है हमारा आई। तो इसमें आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो ये होगा इज आर एम। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। तो इधर ही और आई इज आई एम, सॉरी आई एम प्लेइंग। तो ये दोनों आपके इधर वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि जहां इधर और नीदर नोर ए और बी, इट मीन्स पहला सब्जेक्ट फिर और आ गया बीच में फिर दूसरा सब्जेक्ट, जहां ये तीनों पॉइंट होते हैं, जहां ये तीनों वर्ड्स होते हैं, वैसे कंजक्शन के पॉइंट है, ये तीनों होते हैं, वहां सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अब थर्ड पॉइंट लीजिए नीदर नोर, इसी का पॉइंट आपको एग्जांपल्स में समझा रही हूँ। नीदर नोर इसी का दूसरा एग्जांपल दीजिए, नीदर दे और ही, स्टार्टिंग में नीदर आ गया, दे और ही। अब जब ऐसे सेंटेंस होते हैं नीदर नोर नीदर दे नोर ही, ये हेल्पिंग वर्ब टू गो। अब हमने अकॉर्डिंग टू रूल जहां इधर और नीदर नोर और ए और बी, इट मींस एक सब्जेक्ट और बीच में फिर दूसरा सब्जेक्ट, तो ऐसे पॉइंट्स जब होते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, या मेन वर्ब जो भी है वर्ब यूज की जाती है। जैसे नीदर दे नोर ही, अब यहाँ ही सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ है जा जाएगा। इसी का दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, नीदर ही नोर दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे के साथ हैव आएगा। तो ये इस तरह से नीदर नोर इधर और ए और बी, इट मीन्स राम और श्याम, ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब के जो सेंटेंस में है, सेंटेंस में दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अगला एक पॉइंट लीजिए, क्योंकि हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ पॉइंट तो रहता है, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एक सेंटेंस में हो, ध्यान से दीजिए, जरूरी नहीं है कि दो ही सब्जेक्ट हो, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान से देख लीजिए इसको, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एक ही सेंटेंस में हो तो जो वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होता है, इट मीन्स यहाँ जो ये वर्ब लगाई हुई है इनके जो बिल्कुल पास वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होता है, इट मीन्स जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। एक बार ध्यान से देख लीजिए वापिस, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जब एक ही सेंटेंस में, या तो दो सब्जेक्ट होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं, यानी दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर होते हैं तो वर्ब के नजदीक वाला, या तो वर्ब के नजदीक वाला बात पॉइंट याद रखो, या फिर जो जितने सब्जेक्ट है एक दो तीन चार, जो बिल्कुल लास्ट वाला जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स वर्ब यूज की जाती है। जैसे इसको देखिए एक बार, नीदर ही आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स सेकंड सब्जेक्ट है, नॉर आई
ये थर्ड सब्जेक्ट है। अब ऐसे सेंटेंसेस में हमें बिल्कुल जो लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। तो आई, आई के साथ क्या है, आई सिंगुलर है, आई के साथ वॉच, गोइंग टू पार्क। जब एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट अगर होते हैं तो उन सब्जेक्ट में जो बिल्कुल लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है या फिर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट जो होता है उस के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। यहां देखिए एक बार, वो ए और बी वाला पॉइंट है, ए और बी, थर्ड पॉइंट इसमें आ रहा है। आई और यू, आई और यू, तो इसमें वाज, सॉरी, आई और यू वर सपोज टू ज्वाइन द पार्टी, फिर यू और आई, आई के साथ आ गया, एम सपोज टू मीट हर टुडे, इधर सी और हर ब्रदर्स, ध्यान से देखिए एक बार, इधर सी और हर ब्रदर्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, हर ब्रदर्स। अब इसमें क्या आएगा, वांट्स आएगा कि वांट, सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो प्लूरल है वर्ब आएगी, इट मीन्स वांट टू कॉल यू। He or his friends, his friends, he or his friends, इनमें से कौन सी आएगी, does आता है सिंगुलर के साथ, do आता है प्लूरल के साथ, तो यहाँ पे do not want to play, he or his friends। आपको जो है ये ध्यान से देखने होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का, वर्ब की जो सहमति होती है, कर्ता के साथ क्रिया की जो सहमति होती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज करनी होगी। तो ये हुआ आपका ये पॉइंट। फिर अगला पॉइंट नंबर फिफ्थ, कंपाउंड सब्जेक्ट। जब कंपाउंड सब्जेक्ट विद एंड, कंपाउंड सब्जेक्ट विद एंड, ए एंड बी द एक्सेप्शनल, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होता है, एक्सेप्शनल में अब होता है ये, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड का यूज करके इसे कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच में एंड का यूज करके इसे कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं, तो बनाते तो हम सिंगल हैं लेकिन इसे प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी, रवि एंड अंकित। अब देखिए इसमें दोनों अलग अलग हैं, दो हो गए रवि एंड अंकित, यहां आर गुड फ्रेंड्स, तो ये आपके पांच रूल मैंने आज अभी करवाए हैं। अगला लेते हैं, जब भी किसी कंपाउंड सब्जेक्ट में से पहले ईच का यूज होता है, इट मींस जब हमारे किसी भी सब्जेक्ट से पहले ईच का यूज होता है वहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, वहाँ हमेशा जब भी कहीं ईच वर्ड आ जाता है सेंटेंस में, ईच वर्ड आता है तो वहाँ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी होती है। तो देखिए जब भी किसी कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले ईच का यूज होता है वहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी, चाहे वह ईच दोनों सब्जेक्ट में ही क्यों न लगा हो, दो सब्जेक्ट होते हैं दोनों में ही क्यों ना लगा हो तो उसमें भी हमारे को सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी। जैसे
ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इंटेलिजेंट। तो अब इसमें दोनों में लगा हुआ है, लेकिन हमारे को अकॉर्डिंग टू रूल सिमिलर वर्ब यूज करनी है। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इंटेलिजेंट। ये था ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। 6 रूल हमने कर लिए हैं, इसके कम से कम 25 से ज्यादा ही रूल है, कम नहीं है। वैसे तो और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू रूल चलेगा, आप अपने रूल्स को ध्यान में रखते रहना और जो आपको एग्जांपल्स करवाए जाते हैं उनको ध्यान से देखना, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।